अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल है आप लोगों के? कैसा गुजर रहा है रमज़ान? माशाल्लाह से देखें आज कौन सा 17वां रोज़ा हो गया और 16 और कैसा भाग रहा है रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह। और आज पूरा हफ्ता ये हमारे साथ किरण हैं। किरण भी ज़बरदस्त कुक हैं, एक्सेलेंट। शी मेक्स अमेजिंग खाना बनाती हैं, अमेजिंग केटरिंग करती हैं और बहुत बिजी माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत नाम कमा दिया है माशाल्लाह। तो वेलकम करते हैं अपने शो पे किरण को। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम सलाम। क्या हाल बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको देखो तो आपकी मम्मी मुझे याद आ जाती है माशाल्लाह। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। इनकी मम्मा मेरी स्टूडेंट थी, बहुत प्यारी स्टूडेंट थी और इन्होंने जो कुछ सीखा अपनी माँ से सीखा, तो शी इज़ टू गुड माशाल्लाह। और आज किरण क्या बना रहे हो आप? हम आज बना रहे हैं मलाई कबाब हांडी और क्रिस्पी ट्रायोज। अच्छा, क्रिस्पी ट्रायोज मैंने आपके खाए हुए हैं, बहुत मज़े के होते हैं। तो आप क्या इसको पहले किस तरह करते हो बेटा? समोसे बनाते हैं? समोसे पहले वाइट सॉस की इसकी फिलिंग बनेगी। अच्छा। और फिर उसको समोसे की तरह रैप करके और फिर ऊपर से बैटर और क्रम्स कोटेड करेंगे। अच्छा, बैटर एंड क्रम्स, नॉट अंडा एंड क्रम्स? नहीं, अंडा नहीं। अंडा बैटर में होगा बट वो बैटर बनेगा, फिर उसके बाद क्रम्स कोटेड होंगे, फिर डीप फ्राई। ओके। मुझे इन्होंने पूरी रमज़ान का गिफ्ट भेजा था बना के, पूरे इनकी सारी स्पेशलिटीज़। आई लव्ड योर थ्रेड चिकन और आपकी वो पिज़्ज़ा रोल। हाँ, पिज़्ज़ा रोल आपने कहा था, ब्रेड वाला, ब्रेड रोल क्या थे वो, क्रिस्पी। बड़े मज़े के। थैंक यू। तो आज आप करोगे ये ट्रायो समोसा? जी, ट्रायो रोल्स, क्रिस्पी ट्रायोज। अच्छा, तो इसमें भी आप कौन सी फिलिंग डालोगे? चिकन की? चिकन और थोड़ी सी वेजीज डालती हैं इसमें। इसका पहले व्हाइट सॉस बनेगा। अच्छा। फिर उसमें ये सब चीज़ें डाल के फिर चीज़ और समोसे की फोल्डिंग। समोसे की फोल्डिंग है मगर थोड़ी सी मिनी साइज। अच्छा, चल पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं हांडी से? जी। ओके। मलाई कबाब हांडी। आज हमारे साथ हमारे तमाम ब्रांड्स का शुक्रिया करती हूँ, सासो ऑलिव ऑयल का, उसके बाद में कनास्क केचप का, उसके बाद में मसाको चिकन पाउडर यूज़ होगा और लोरपाक बटर और क्रीम यूज़ होगी। और हमारे साथ है मलका फूड्स। मलका फूड्स का नाम अब पूरी दुनिया में छा चुका है, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह यूके हो, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह मलका फूड्स आपको मिल जाता है। अब इनका पिंक सॉल्ट भी बहुत मशहूर है जो कि हम आज खानों में भी इस्तेमाल करेंगे। कसूरी मेथी भी इनकी आज हम यूज़ करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हम इनका आज यूज़ करेंगे। बेहतरीन मसाला जात है इनके। ठीक है, चलो जी। हम लोगों ने इसमें मलाई कबाब हांडी के लिए लिया है चिकन का कीमा और उसमें हमने सब जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन के कीमे में हमने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्चें पिसी हुई, मलका मसाले के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है हमने और इसमें ओरिगानो ड्राइड ब्लैक पेपर, प्याज का पेस्ट, ये सब चीज़ें डाल के हमने ब्लेंड कर दिया है, चॉपराइज कर दिया है और उसमें हमने चीज़ भी डाल दी है। ठीक है, चीज़ भी डाल के अब हम इसका शेप देंगे, इसको शैलो फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद इसका हांडी का मसाला। ठीक है, 700 ऑलिव ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे जो कि बेहतरीन तेल है, असली जैतून का ऑलिव ऑयल। मार्केट में दूसरे ऑलिव ऑयल्स पॉमेस होते हैं, ये बिल्कुल प्योर ऑलिव ऑयल है। अच्छा, आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। ठीक है, किरण ने उसमें इन्होंने डाला मलका फूड्स का 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक प्याज ली थी दरमियानी साइज़ की, उसको पीस के वो डाल दी। उसके बाद में काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट पिंक सॉल्ट मलका का 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर मसाको का 1/2 टीस्पून, उसके बाद में ग्रीन चिली पेस्ट, हरी मिर्चें 5-6 लेके उसको पीस के वो डाल दिया।
उसके बाद में ब्रेड स्लाइसेस दो भिगो के वो डाल दी, चेडर चीज़ डाल दी आधा कप, ऑरेगानो क्वार्टर टीस्पून, हरा धनिया क्वार्टर कप। ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करें। मिक्स करने के बाद चॉपर में डालें। चॉपर में डालने के बाद अच्छी तरह स्मूथ पीस लिया। फिर इस शेप के कबाब बना रही हैं किरण, और इसको डाल के और शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है, अब शैलो फ्राई करके इसको हम निकालेंगे और फिर हम आ जाएंगे हांडी पे, उसका जो ग्रेवी बनेगी उस पर। ब्रेक पे जाएं किरण जब तक आप बना रहे हो। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आई होप मैंने जो आपको क्या क्वांटिटीज़ बताई हैं समझ आ गया होगा। नहीं आया परेशान नहीं होइए, वापस आकर फिर समझाऊँगी। और आप लोगों को एक बात बतानी थी जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ। आजकल हमारा रमज़ान में जो रिपीट टाइमिंग है वो शाम 6:30 बजे नहीं है बल्कि 7 बजे है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और बन रहे हैं मलाई कबाब हांडी। मलाई कबाब हांडी के लिए आधा किलो चिकन का कीमा लिया। आपने ब्रेस्ट और लेग दोनों मिक्स किया था बेटा? जी दोनों। ठीक है, और उसमें फिर शामिल किया है मलका का जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 कच्ची प्याज पीस के, और काली मिर्चें मलका की 1/2 टीस्पून, सॉल्ट पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट है मलका का 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर मसाखों का 1/2 टीस्पून, ग्रीन चिलीज पिसी हुई 2 टेबल स्पून, 4-6 ले लीजिएगा छोटी तेज़ वाली, ब्रेड स्लाइसेस 2 पानी में भिगो के निचोड़ के, और चेडर चीज़ डालिएगा आधा कप, ड्राइड ऑरेगानो 1/4 टीस्पून, चॉप करिएंडर 1/4 कप। ये सब डाल के साथ चॉपराइज कर लीजिए जब तक कि मिक्सचर स्मूद हो जाए। फिर इसको आपको कबाब का शेप देना है इस तरह का, और शैलो फ्राई करना है आपको 700 प्योर 100% प्योर ऑलिव ऑयल में। ठीक है, अब इसको निकाल लिया है, अब इसकी बनेगी ग्रेवी हांडी की। ये डाल लो बेटा, वही वाला तेल इस्तेमाल करें। व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट इट, जिसमें आपने कबाब तले थे। और आप देखें बहुत थोड़ा सा तेल लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। ठीक, पहले हम इसमें ग्रीन चिलीज, कैप्सिकम और अनियन स्लाइसेस पहले फ्राई करेंगे। ठीक है, आपने हरी मिर्चें डाल दी इसमें जी, बड़ी वाली मोटी वाली, कैप्सिकम आधी कैप्सिकम ले लीजिए, 3-4 हरी मिर्चें ले लीजिए, और प्याज 1 मीडियम प्याज स्लाइस्ड। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, उसके बाद क्रीम और क्रीम चीज के क्यूब्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश रेड चिलीज, गरम मसाला और कसूरी मेथी। अच्छा, आपने इसमें ऑयल 1/4 कप डाला है, और लूरपाक का बटर कब डालेंगे? लूरपाक का बटर भी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा और फिर ऊपर डालेंगे हांडी के, जब पूरा डन हो जाएगा तो ऊपर हम डालेंगे। ठीक, इसको हम थोड़ी सी सॉफ्ट करेंगे सारी वेजीज। बस इतना एनाफ निकालना है आपको? नहीं नहीं, इसी में डालेंगे। ओके, मैं मेरे से ले लो, 1 टीस्पून दे दीजिएगा। थैंक यू। 1 टीस्पून अदरक लहसुन हमने मलका मसालों का डाल रहे हैं, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आ रहा है, इसके बाद में कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून जी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून,
गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून हमने निकाल के रख लिया, टाइम इतना शॉर्ट है। सॉल्ट मलका मसालों के और पिंक सॉल्ट मलका मसालों का 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट। अदरक लहसुन 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची 1 टीस्पून ब्लैक पेपर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया बेटा? जी जी आंटी, टेबल स्पून दे दीजिए। ओके, 1.5 कप फ्रेश क्रीम। ठीक है, ठीक है। 1.5 पैकेट आपने क्रीम डाल दी। मिल्क जाएगा इसमें? ठीक है, 1/2 कप मिल्क। ये ईद पे बनाएं, बड़ी स्पेशल डिश लग रही है, ईद पे ट्राई कीजिए। आपके घर कोई इफ्तार हो उस पे डिनर के लिए। और क्रीम चीज़ के क्यूब्स जाएंगे इसमें? ठीक है, 4 क्यूब्स ऑफ क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ वरना आप वो डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। जी वो भी डाल सकते हैं, वो डालना वही डाल। पक्की क्रीम चीज़ 4 टेबलस्पून डाल देंगे हम। सासो प्योर 100% ऑलिव ऑयल डाला पहले 1/4 कप कढ़ाई में, उसमें 3-4 डायगनल कटी हुई मोटी वाली हरी मिर्चें डाली, आधी शिमला मिर्च डाली, 1 मीडियम साइज़ की प्याज थोड़ी मोटी सी स्लाइस करके, थोड़ा सा उसको 2 मिनट सॉटे किया जब तक कि तीनों चीज़ें सॉफ्ट हो गई। ठीक है, फिर इसमें सीजनिंग्स पे आ जाएं। अदरक लहसुन का पेस्ट, मलका मसालों का 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ये सब कुछ डाल के और उसको भूना। थोड़ा सा दूध डाल दिया उसमें 1/2 कप और 4 टेबलस्पून पक्की क्रीम चीज़। और अब इसमें चेडर चीज़ डाली और अब इसमें जाएगी चेडर चीज़। बहुत मज़े का लग रहा है, इसको तंदूरी नान के साथ जी, रोगनी नान के रोगनी साथ। इसकी थिक सी ग्रेवी होगी, क्रीमी बिल्कुल मलाई जैसी। अच्छा, बस इस स्टेज पे हम इसमें कबाब डाल देंगे। ओके, जब आपकी ग्रेवी थिक हो जाए, चीज़ डालने के बाद चीज़ मेल्ट हो गई, तो आप इसमें ये जो हमने कबाब फ्राई करके रखे हुए ये आप डाल दें। थोड़ा तेज बोलो, आवाज़ निकालो, सैरी नहीं किए मेरी तरह जी। अब इसमें ये कबाब चले गए, अब इसमें एंड में हम ऊपर कसूरी मेथी डालेंगे इसकी और लूर पाक का बटर। गार्निश करेंगे हम इसको हरा धनिया और काजू के साथ। काजू और हरा धनिया गार्निश करेंगे। इसमें मलका मसाले की जाएगी कसूरी मेथी एंड में बिल्कुल दम के टाइम पे। कबाब आपके ऑलरेडी हाफ डन तो हो चुके हैं फ्राइंग में, चिकन मिंस है। अस्सलामु अलैकुम। सॉरी यहीं से खोलूं कसूरी में क्या बेटा? निकाल लो बेटा। इनकी लाल प्याज भी बड़ी अच्छी होती है मलका मसालों की, फ्राइड अनियन। हम इसमें कसूरी मेथी डाल के और बटर डाल के इसको दम पे रखते हैं।
लूर पाक का उफ क्या खुशबू है। बेहतरीन मक्खन है ये लूरपाक, यूरोपियन ब्रांड है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड्स इन बटर्स। पक्की चीज़ भी इनकी है और आप देख रहे हैं कि मैं इतने महीनों से इसको यूज़ कर रही हूँ, बेकिंग में, फ्राइंग में, शैलो फ्राइंग में, ग्रिलिंग में, तड़का लगाने में, हर चीज़ में आई यूज़ लूरपाक। इसको हम 5 मिनट्स के लिए दम पे रखते हैं। ठीक ठीक है, ये हमारी डिश हो गई है कंप्लीट। जब इसको हम निकालेंगे तो ऊपर से हरा धनिया और क्या, काजू। अच्छा, काजू फ्राई करके नहीं, ऐसे ही डालेंगे। अच्छा। क्योंकि वाइट है ना, तो वाइट ही काजू डालेंगे। ओके ओके, दिखा दो मेरी जान जरा। जी, वाइट काजू। ठीक है, अनरोस्टेड काजू है, आप ऊपर से डाल दीजिए। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, हम ब्रेक से वापस आएंगे, आके स्टार्ट करेंगे आज की सेकेंड रेसिपी, क्रिस्पी ट्रायोस। स्टे विद अस। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और ये देखें इतने हसीन खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। ईद पे ट्राई करने वाले हैं ये, बहुत ज़बरदस्त जी, क्रिस्पी ट्रायल्स। इसके लिए किरण पहले बना रही हैं वाइट सॉस। मगर इसकी जो चिकन है वो हमने बॉईल कर लिए, बॉईल एंड श्रेड, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ और ग्रीन चिली पेस्ट के साथ। बस दो चीज़ें जी, दो चीज़ें हैं। ठीक है, चिकन कितनी ली थी बेटा? आधा किलो। आधा किलो मुर्गी के सीने लिए, उसमें इन्होंने हरी मिर्चें पीस के डाल दी 1 टेबल स्पून जितनी, या 2 टीस्पून, और मलका का अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये दोनों चीज़ डाली, थोड़ा सा पानी डाला और उसको पीस लिया है, श्रेड कर लिया, बॉईल कर लिया, अब श्रेड कर लिया। अच्छा, इसमें बॉईल करते वक्त इसमें चिकन पाउडर डाला था, मसाखों का बॉईल करते वक्त डालने, ताकि वो अच्छी तरह इवनली उसमें कोट हो गया। बॉईल करते वक्त मसाखों का चिकन पाउडर गया है और अदरक लहसुन का पेस्ट मलका का गया, हरी मिर्चें पिसी भी गई, ठीक है, और पानी 1 कप पानी के साथ ये सारी चीज़ों को बॉईल कर लिया। जब चिकन गल गई उसको श्रेड कर लिया, ठीक, ये एक प्रोसेस हो गया है ताकि टाइम कम है जी। और ये हमने वेजिटेबल्स को चॉप किया हुआ है, बहुत बारीक, शिमला मिर्च और गाजर है, इनको बहुत बारीक हमने चॉप किया, इसको भी हम डाल देंगे। अच्छा। इसमें चिकन में मिक्स कैप्सिकम और गाजर को बिल्कुल टाइनी टाइनी क्यूब्स में चॉप किया है, बॉयल नहीं है, कच्चे हैं, और इसको इसी श्रेडेड, बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन में डाल दिया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सईदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, आपकी शख्सियत से तो मुझे इश्क हो गया है, आपकी शख्सियत बहुत अच्छी है आपका, अल्लाह आपको ऐसे ही रखे, आमीन, सम्मान अल्लाह ताला, ऐसे ही आप हमारे सामने बस आती रहें जाती रहें, आप नहीं आती बड़ी कमी महसूस होती है आपका, यकीन करें रमजान है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत, बस आपकी शख्सियत से मुझे इश्क हो गया है वाकई, इतनी अच्छी दुआ करती है, आपकी दुआ में असर है आपा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। बहुत मेरी दुआएं मेरे तमाम देखने वाले और चाहने वालों के लिए, जाहिर बात है मैं करोड़ों लोगों के नाम तो नहीं याद रहते, लेकिन मैं मेरे व्यूअर्स को मैं हमेशा याद रखती हूँ, मैं यही कहती हूँ मेरे चाहने वाले, मेरे देखने वाले। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी दुआ में वाकई असर है, मैंने कितनी बातें आजमाई हैं आपकी, माशाल्लाह। दो पोते हाफिज हैं और अभी दोनों इंजीनियर बने हैं, दोनों, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, एक कंप्यूटर में, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उन्हें अच्छी सी जॉब दिला दे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर। दोनों बच्चे मेरे हाफिज हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह, आप दुआ करें अल्लाह मेरे भी नवासों में से किसी एक को हाफिज बना दे इंशाल्लाह। मेरा एक बेटा भी हाफिज था आपा, 5 फरवरी की 4th रोजा
बस उसे जालिमों ने गोली मार दी थी अपने, तो वो बैठा हुआ था अपने कारोबार पे। अल्लाह ने एक हाफिज लिया, अल्लाह ने मुझे दो पोते दे दिए हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का शुक्र है आपा। बहुत 27 साल हो गए अभी चौथे रोजे के। याद होगा 1995 में फायरिंग हुई थी, जब बहुत रमजान में आपस में थी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह मेरा बेटा भी शहीद हुआ है आपा। माशाल्लाह, देखें ये भी आपके लिए कितनी बड़ी वो है, सीधा था रोजा भी था, हाफिज कुरान की जिस तरह नमाज पढ़ के तरावी पढ़ा रहता है। मैं लियाकतबाद में रहती हूँ, नायाब मस्जिद में तरावी पढ़ा था, उसको सब जानते हैं, आबिद नाम था उसका, मोहम्मद आबिद। अल्लाह आपको सबर दे और वो तो खैर जन्नती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबर तो अल्लाह ने ये दिया इनाम में कि दो पोते मेरे माशाल्लाह हाफिज हो गए। अल्लाह उनकी बीवी को भी सबर दे। अल्लाह बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, जज़ाकअल्लाह, जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा बेटा बताओ, हमने पहले चिकन बॉइल कर लिया, ठीक है, कितना लिया बेटा लूटपाक का बटर? 2 टेबलस्पून, ठीक है, 2 ounce बटर लिया लूटपाक का, वही यूरोपियन ब्रांड बेहतरीन बटर, ठीक है। 1 टेबलस्पून उसमें हमने मैदा डाला है, ठीक है, और फिर उसको भून के उसमें हमने 1 कप मिल्क डाल, ठीक है, उस मलका का सॉल्ट डाला है, सॉल्ट अभी नहीं डाला, अभी हमने सिर्फ चीज डाली है, दो अच्छा चीज डाल दी, चेडर चीज और मोज़रेला चीज। ओके ओके, ओह लुक एट दिस, ये अच्छी उसकी आ रही है मोज़रेला की। अब इसके सारे मसाले जाएंगे इसमें, इसमें जाएगा ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर मलका मसाले का, रेड चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून। अच्छा ये क्या लिखा है बेटा? स्टीम मसाला वो है, क्या होता वो है? साबुत धनिया, साबुत जीरा और गोल लाल मिर्च, इन तीनों को भून के और फिर इसका मसाला बना लें। इसको आप बोलते हो स्टीम मसाला? स्टीम मसाला बोलती हूँ। ये कितनी जबरदस्त, मैंने आज नई चीज़ सीखी है करण से। ओके ये भी हम डालेंगे इसमें फ्लेवर के लिए। 1 टेबलस्पून स्टीम मसाला, स्टीम मसाला में इक्वल क्वांटिटीज का साबुत जीरा, साबुत धनिया और साबुत बटन रेड चिलीज गोल वाली, तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी की लेके हल्का हल्का उसको भून लीजिए, जलाना नहीं है, और फिर उसको पीस के बॉटल भर के रख लें, उस पर लिख लें स्टीम मसाला। अब हमने सारे इसमें मसाले डाल दिए हैं, स्टीम मसाला, पिंक सॉल्ट डाला है जी, और ब्लैक पेपर और रेड क्रश चिलीज। ये हमारा सॉस बन गया, अब इसमें हम डालेंगे ये चिकन और वेजेस। ये सॉस रेडी है आपका, चीज सॉस, ठीक है। अब इसमें ये श्रेडेड चिकन जिसमें गया था मसाको का चिकन पाउडर, हरी मिर्चें और मलका का अदरक लहसुन पेस्ट के साथ बॉईल करके श्रेड किया, इसमें बॉईल वेजीज माफ़ कीजिए चॉप्ड वेजीज चली गई, गाजर आधा ले लीजिएगा और आधी शिमला। ये समोसे में आप भरेंगे? ये समोसे में भरेंगे, ठीक है। जब तक हम इसको मिक्स करके ज़रा सा ठंडा होगा प्याले में निकालेंगे और आपका इंतज़ार करते हैं। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। यहाँ पे बना लिया है किरण ने इसका कोटिंग बैटर, इसका कोटिंग जो समोसों को इसमें कोट करके फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, ठीक है, इसमें डिप करके फिर कोट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, आने के बाद आपको फिर एक दफ़ा मैं इसकी रिकैप करूँगी, तो बिल्कुल परेशान हो जाइए, स्टे विद अस। जनाब वेलकम बैक। अच्छा जी, अब ये फोल्डिंग देखिए, लेफ्ट हैंडी है किरण एंड माशाल्लाह। ये देखिए, ये जो इसका कॉर्नर है ना,
एंड वाला ये बिल्कुल नहीं खुला होना चाहिए, वरना तेल अंदर जाता है, फिलिंग बाहर आ सकती है, ये ख्याल रखें। और इसकी जो फिलिंग है बहुत एकदम लंपी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए हल्की हल्की, ताकि जब आप वो बाइट लें तो उसके अंदर से आपको मज़ा आए, फ्लेवर आए, चीज़ आउट होने का, चीज़ समझ आई। अब इसको हम बैटर में और क्रम्स में, और इसका बैटर है आपने ले लिया समझे मैदा, कितना लिया था मैंने? मैदा मैंने 2 टेबलस्पून, 1 egg और पानी, इसको मिक्स करने के लिए पानी लिया। मैदा 2 टेबल, मैं कर हल्का कर देती हूँ, मैदा 2 टेबलस्पून, ठीक है, 1 अंडा और मिक्स करके इसमें और थोड़ा सा पानी डाल दिया। सॉल्ट पेपर कुछ डाला था बेटा? नहीं कुछ भी, कुछ भी नहीं डाला। बिल्कुल इसके सारे कॉर्नर्स फोल्ड होंगे। आपके बच्चे कितने? 2 बेटे हैं। हाँ वो तो मुझे पता है, मैं कह रही हूँ कितने खुश होते होंगे जब आप नई, बिल्कुल लड़कों को तो इसी चीज़ों का शौक होता है, बहुत शौक होता है माशाल्लाह। वेरी नीटली फिल्ड। ये आपने अपनी मम्मी से सीखा फोल्डिंग? जी फोल्डिंग नहीं, फोल्डिंग मैंने अपनी सास से सीखी। अच्छा जी, आधी मैं तैयार होके आई थी, फिर आधी ससुराल में तैयार। अच्छा। मेरी सारी रेसिपीज़ कहाँ हैं जो मम्मी के पास ख़जाना था मेरा? वो आधी मेरे पास है, आधी भाभी के पास है। अच्छा। जी और इतना ख़जाना है, मुझे पता है इनकी मम्मी मेरी कोई क्लास नहीं छोड़ती थी। पता है किरण, उनकी एक जगह भी महसूस थी, मुझे फ़ोन करके बोल देती थी कि शरीन आज मैं थोड़ी लेट हो जाऊँगी तो मेरी जगह रख देना। बस किरण टाइम नहीं है बस। अब हाँ बस अब हम बैटर में डिप करके, ये देखें ये बने हुए लेके आई हैं, मैं इसको डाल रही हूँ फ्राइंग पे, ठीक है? और ये जो है बनाए हैं आप लोगों के सामने, इसको बैटर में जाएगा, बैटर के बाद ब्रेड क्रम्स में जाएगा। हरबियन का हमारे पास ड्रिंक भी है, समरस बेहतरीन, इतना आपको कूल फीलिंग देता है, आप अजान हो और आपने इसका खजूर खाई और एक सिप लिया और बस ऐसा लगता है ठंडक पहुंच गई पूरे अंदर, रूए हयात, ठीक है, मशरूब हयात, बहुत ज़बरदस्त। तो आप इसको पानी लीजिए, उसमें खूब सारी बर्फ़ डालें और ये डालें, समरस डालें और इन्जॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, आपके क्या हाल हैं? अल्लाह का बहुत करम एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है आपको दोबारा से देखा, बड़े परेशान रहे हम लोग। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपने अल्लाह की और आप लोगों की। थैंक यू सो मच। मैं आपसे कह रही थी कि आप गोंद का शरबत ज़रूर बनवाएं। गोंद का शरबत मैंने, मेरी स्टूडेंट आई थी एक स्टूडेंट वीक में, हमीदा शोएब, उन्होंने बनाया था, मैंने उनको कॉल की थी कि आप मेरे आके ईद के शोज़ कर दें, लेकिन वो गई हैं उम्रे पे, तो उसने मुझे इसीलिए कहा था शरीन मैं ईद से एक दिन पहले आऊँगी, वहाँ की इतनी थकावट होती है, तो देखें फिर भी वो आ जाए, मैं बात करती हूँ उनसे, ठीक है? बहुत अच्छा बनाती है। बस मैंने जब उन्होंने तब बनाया था तो तब मैंने बनाया था, लेकिन अब मैं
बना नहीं पा रही, अब मैं कहती हूँ दोबारा बनाएं तो फिर। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं और आपने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है और वो फेवरेट शख्सियत में फेवरेट कलर पहना हुआ है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों की मोहब्बत मुझे, जब भी तो मेरा वज़न कम नहीं होता है, क्या करूँ आप लोगों की इतनी चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ग्रेट हैं, बहुत ग्रेट हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, जीते रहिए खुश रहिए, आप लोग को भी अल्लाह हमेशा सलामत रखे। चले जी इसको हम फ्राई कर रहे हैं, फ्राई करके हम इसको सर्व करेंगे कनास की 1000 आइलैंड ड्रेसिंग के साथ। यहाँ से हम उठाते हैं कनास की 1000 आइलैंड ड्रेसिंग, ये बेहतरीन पाकिस्तान ने केचप निकाली है, पहले तो वरना एक ओरिजिनल केचप आती थी, अब इतने सारे फ्लेवर्स के साथ केचप है, सिराचा केचप है, हेलपिनो केचप है, बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ है और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कराई है कनास ने, तो आप ख़रीदिए और इसको ट्रायल समोसास को आप सर्व करेंगे कनास की 1000 आइलैंड ड्रेसिंग के साथ, मैंने निकालती हूँ उसको। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप की ब्रेक के बाद। जी जनाब वेलकम बैक, ये देख लीजिए इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी ट्रायल्स रेडी हो गए फ्राई होके, अब इसको हम सर्व करेंगे विद 1000 आइलैंड ड्रेसिंग कनास की। अच्छा यहाँ पे इफ्तार का टाइम हो चुका है आप समझ लें, और ये बेहतरीन सी दो चीज़ें आपके लिए तैयार हैं और इसके साथ आप सर्व करेंगे हर्बियन का समरस। क्या खुशबू आती है एकदम से, बेहतरीन मशरूब हयात, पूरे दिन की थकावट आपकी इसकी पीने से आप फ्रेश हो जाते हो। खालिस, बिल्कुल खालिस प्योर फलों के जूसेस से बना हुआ है, ठीक है आ जाओ फिर। ठीक है जी, ओके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का शो होता है मुकम्मल। और परसों क्या बना रहे हो बेटा? परसों में मटन हरियाली। अच्छा। और क्रीमी मून्स, क्रीमी मून्स, मैक एंड क्रीमी मून्स, ज़बरदस्त, ठीक है, वो भी इफ्तार की फ्राई, वो भी इफ्तार की फ्राई, वो मैंने आपके हाथ की नहीं खाई है, वो मैंने न्यू इन्वेंट की। अच्छा। न्यू क्रिएशन है उसमें। ओके ठीक है, इंशाल्लाह परसों देखेंगे फिर आपको ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स, आप सबका बेहद शुक्रिया, आप लोग कॉल्स करते हो, इतनी दुआएं देते हो, बहुत बहुत मेहरबानी है, आप लोग भी हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, इंशाल्लाह अब आपसे कल शेफ़ साइमा के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू आंटी, लॉट्स ऑफ लव, परसों इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिए, हम सबको दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।